रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून 3 दिन पहले केरल पहुंचा, 15 जून तक जयपुर, जून के अंत तक देश के 80% इलाके में बारिश की उम्मीद। केरल समेत दक्षिण के तटीय इलाकों में बारिश शुरू, श्रीलंका में बारिश से 23 लोगों की मौत। भीषण गर्मी के बीच मानसून केरल पहुंच गया है, वह भी तय तारीख 1 जून से 3 दिन पहले ही। स्काईमेट ने मानसून के केरल पहुँचने का दावा किया है। मौसम विभाग ने भी 24 घंटे में मानसून के केरल पर छाने की बात कही है। केरल सहित दक्षिण के तटवर्ती इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने इस बार देश में सामान्य मानसून का अनुमान जाहिर किया है। स्काईमेट के सीईओ जतिन सिंह ने बताया कि केरल में सभी मौसम केंद्रों पर 2 दिन से बारिश दर्ज की गई है। हवाओं के आधार पर भी कहा जा सकता है कि मानसून आ गया है। अगले 24 घंटे में केरल के कुछ भागों, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर के बाकी भागों के साथ ही अंडमान में तेज बारिश के आसार हैं। जून में देश के 80% इलाके में मानसून के छा जाने का अनुमान है। जयपुर में मानसून 15 जून के आसपास पहुंचेगा। लगातार दूसरे साल मानसून समय से पहले पहुंचा, उत्तरी इलाकों में गर्मी से राहत की उम्मीद। देखिए आपके यहां कब आ रहा है। 1 हफ्ते में मानसून के मुंबई पहुंचने के आसार। संभावित तारीख यहां तक पहुंचा 1 जुलाई, 1 जून, 28 मई। मानसून की चाल का यह शुरुआती आकलन है। समय के साथ इसमें बदलाव भी आते रहेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा। 15 जून 10, 5 जून 1 जून जून प्रतीकात्मक मानचित्र। 15 मई 21 मई तस्वीर श्रीलंका की है। वहां मानसून ने आते ही कहर बरपाया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 23 लोग मारे गए, 73,000 से अधिक लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। अच्छी बारिश यानी मजबूत इकोनॉमी। मानसून के दौरान देश की 70% बारिश होती है। आधी से अधिक जमीन को इससे फायदा होता है। 80 करोड़ आबादी खेती के लिए मानसून पर निर्भर है। खरीफ फसल के दौरान आधे से ज्यादा खाद्य पदार्थों की पैदावार होती है। धान, जूट, गन्ना, दालें प्रमुख हैं। महंगाई दर में कमी आती है, ब्याज दरें भी घटती हैं। 2014 में उपभोक्ता मांग 6.2% बढ़ी थी। अच्छी बारिश के बाद 2017 में यह 7.9% तक बढ़ गई। मध्य और उत्तरी राज्यों में अगले 15 से 20 दिन में अच्छी प्री मानसून बारिश के आसार। एडवांस मानसून का क्या मतलब? देश भर में जून में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, 97 से 100% तक। धीरे धीरे बारिश सामान्य होती जाएगी। जिन राज्यों में अभी सूखे जैसी स्थिति है वहां भी अच्छी बारिश के आसार हैं। साथ ही देश के मध्य और उत्तरी राज्यों में अगले 15 से 20 दिन में अच्छी प्री मानसून बारिश हो सकती है। क्या मानसून भटक या अटक सकता है? मौजूदा मॉडल के मुताबिक 5 से 6 जून को मानसून मुंबई में होगा। अरब सागर में चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है, इससे नमी 14,000 फीट तक पहुंच रही है, जो बादल बन दक्षिण की ओर बढ़ रही है। केरल कर्नाटक में अच्छी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बना हुआ है। केजे रमेश, डीजी मौसम विभाग महेश पलावत, मौसम वैज्ञानिक स्काईमेट। स्काईमेट ने कहा आया मानसून। मौसम विभाग कह रहा आ जाएगा। 17 राज्यों में सूखा है, भरपाई हो जाएगी। अप्रैल मई के बीच 15 दिनों में 8 तूफान आए, इससे पश्चिमी विक्षोभ में नमी की कमी रही। सूखी हवाओं के कारण 17 राज्यों में कमजोर प्री मानसून रहा। मौजूदा मॉडल से लगता है कि जून के शुरू के 15 दिनों में अच्छी बारिश होगी। यह 60 से 70% तक प्री मानसून बारिश की कमी को पूरी कर देगी।